गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, SKLGD ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर नेटवर्क के कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और यही क्वेश्चन आपके रिवीजन के तौर पे होंगे, ठीक है ना। एक तरह से इससे रिवीजन भी हो जाएगा और ये चैप्टर आज फिनिश हो जाएगा। और सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, डिस्कस अ फ्यू एडवांटेज ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के कुछ एडवांटेज के बारे में डिस्कस करना है। अब एडवांटेज क्या क्या थे, पहला एडवांटेज था एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फाइल शेयरिंग, सेकंड एडवांटेज है रिसोर्स शेयरिंग, थर्ड इज रिड्यूस्ड कॉस्ट, फोर्थ इज फ्लेक्सिबल वर्किंग एनवायरमेंट, फिफ्थ इज बेटर स्टोरेज कैपेसिटी, सिक्स इज इंक्रीज्ड रिलायबिलिटी। ठीक, इसके अलावा हम किन्हीं भी दो एडवांटेज, कोई दो एडवांटेज दिए होंगे उनके बारे में इसमें डिस्कस कर सकते हैं। तो दो एडवांटेज के बारे में डिस्कस करते हैं, तो सबसे इजी रहता है रिसोर्स शेयरिंग। ठीक, ये सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका, रिसोर्स शेयरिंग का। कि मान के चलो हमारे पास 30 कंप्यूटर्स हैं कंप्यूटर लैब में, तो उसके लिए हमें 30 प्रिंटर या स्कैनर को कनेक्ट करना है प्रत्येक कंप्यूटर के साथ, लेकिन हम नेटवर्किंग की सहायता से क्यों ना एक ही प्रिंटर और स्कैनर को 30 कंप्यूटर से ऐड कर दें, तो इसका अर्थ क्या होता है, रिसोर्स शेयरिंग। ठीक, ये किसका एग्जांपल हुआ, रिसोर्स शेयरिंग का, तो सबसे अच्छा एग्जांपल हो गया ये। ठीक, इसके अलावा सेकंड ले सकते हैं एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फाइल शेयरिंग। ठीक, तो इसका मेजर एडवांटेज क्या होता है कि कंप्यूटर नेटवर्क इज दैट इट अलाउ फाइल शेयरिंग। ठीक, नेटवर्क के द्वारा हम किसी भी अपनी फाइल इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज और शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यही होगा, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फाइल शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग, रिड्यूस कॉस्ट, फ्लेक्सिबल वर्किंग एनवायरमेंट, बेटर स्टोरेज कैपेसिटी एंड इंक्रीज रिलायबिलिटी। ठीक, इन्हीं में से दो को डिस्कस हमें करना है, तो दो डिस्कस मैंने बता दिए रिसोर्स शेयरिंग एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फाइल शेयरिंग के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन लैन एंड मैन। लैन और मैन में क्या डिफरेंस है, देखो लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन की होती है मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, पोलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है ना। लैन जो है स्मॉल एरिया को कवर्स करता है, जबकि मैन बिग एरिया को या लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होता है जहां पे वो इंटरकनेक्ट रहता है अपनी ब्रांच अक्रॉस अ सिटी, जबकि लैन का हम यूज एक कैंपस से दूसरे कैंपस में ही करते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा देखो जितना भी लैन यूज किया जा रहा है, तो लैन की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, एक स्कैनर को कनेक्ट करते हैं, स्कैनर प्रिंटर को कनेक्ट करके सर्वर के द्वारा हम अपनी क्वेरीज को क्लाइंट पे भी सेंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब बात करते हैं मेंस की, तो मेंस जो है एक ऐसा लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होता है जहां पे सभी जो सिटी की ब्रांचेज हैं वो उससे कनेक्टेड रहती है, डिफरेंट टाइप की कोई भी ब्रांच दे रखी हो सेंट्रल किसी सेंट्रल ऑफिस से वो कनेक्ट रहेंगी, ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक, व्हाट इज अ इंटर स्पेस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटर स्पेस क्या है। ठीक, तो इंटर स्पेस इज अ क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अलाउ मल्टीपल यूजर्स टू कम्युनिकेट ऑनलाइन विद रियल टाइम ऑडियो वीडियो एंड टेक्स्ट चैट इन अ डायनामिक 3D एनवायरनमेंट, ठीक है ना। तो इंटर स्पेस क्या हो गया, इंटर स्पेस इज अ क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अलाउ मल्टीपल यूजर्स टू कम्युनिकेट ऑनलाइन विद रियल टाइम ऑडियो वीडियो एंड टेक्स्ट चैट इन अ डायनामिक 3D एनवायरनमेंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द वायर्ड एंड वायरलेस नेटवर्क। वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क में क्या डिफरेंस है, फर्स्ट डिफरेंस इज वायर्ड को हम क्या कहते हैं, गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं, जबकि वायरलेस नेटवर्क को हम अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं। वायर्ड को क्या है, गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं, जबकि वायरलेस नेटवर्क को हम अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं। ठीक, वायर्ड में हमें वायर्स की रिक्वायरमेंट होती है, केबल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि वायरलेस नेटवर्क में हमें केबल्स या वायर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक,
थर्ड इज जो वायर्ड केबल होती हैं, ठीक है ना, इनका यूज हम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, सॉरी इनका यूज हम केबल्स द्वारा करते हैं, ठीक है। जब भी ट्रांसमिशन किया जाता है तो वो केबल्स द्वारा ही ट्रांसमिशन किया जाएगा, जबकि वायरलेस नेटवर्क का जो हम ट्रांसमिशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन द्वारा करते हैं, ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन द्वारा इसका यूज करेंगे, ठीक है ना। ये इसके क्या है, डिफरेंस है। और एग्जांपल भी बता सकते हो, वायर्ड में जैसे ऑप्टिकल फाइबर केबल्स है, कोएक्सियल केबल है, इथरनेट केबल्स है, ठीक है ना, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स हैं, ये केबल्स आती हैं। जबकि वायरलेस के जो एग्जांपल होते हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, सैटेलाइट कम्युनिकेशन मीडिया, वाईफाई, इनका यूज किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछा गया है कि डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन वाईफाई एंड ब्लूटूथ, ठीक, ब्लूटूथ और इनमें क्या डिफरेंस है, और विद हेल्प ऑफ द एग्जांपल्स, एग्जांपल्स की सहायता से हमें समझाना है। तो मैं ये क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूं कि डिफरेंस क्या है। देखो, वाईफाई होती है वायरलेस फिडेलिटी, और वाईफाई का यूज जो करते हैं हम एक पार्टिकुलर रेंज तक करते हैं, और इसमें जो वाईफाई है वो इंटरनेट के वर्क में यूज किया जाता है, जबकि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का यूज हम फाइल को एक्सचेंज करने में करते हैं, ठीक है ना। ब्लूटूथ का यूज कहाँ करते हैं, फाइल को कैसे हम एक्सचेंज कर सकते हैं, तो वहां पे हम ब्लूटूथ का यूज करेंगे, जबकि वाईफाई का यूज वाईफाई हॉटस्पॉट में करते हैं, और ये कंप्यूटर नेटवर्क्स के लिए यूज किया जाता है। वाईफाई हमारा कंप्यूटर नेटवर्क्स के लिए यूज किया जाता है। और दूसरा, क्या वाईफाई में जो लाइन है वेव पेज आते हैं वो PC2 ISP वर्क करते हैं, ठीक है। इसमें हमें ब्रॉडबैंड नेट कनेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट रहती है, और वायरलेस जो राउटर होते हैं वो ISP द्वारा हमारे PC को नेटवर्क सेंड करते हैं, और स्मार्टफोन लैपटॉप या डेस्कटॉप में भी हम वायरलेस कनेक्टर, आउटर वायरलेस कनेक्टर या वेव कार्ड का, रिमोट वेव कार्ड जो होते हैं उनका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और इस तरह से हम वाईफाई का अपने होम पे भी यूज कर सकते हैं, और वाईफाई का यूज हम नेटवर्क में, ज्यादातर नेटवर्क में ही करते हैं, जबकि ब्लूटूथ जो होता है, ब्लूटूथ कम्युनिकेशन का यूज हम केवल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा में करते हैं। अप्रोक्सीमेटली हम इसका यूज 10 मीटर की रेंज में कर सकते हैं, ठीक है, 10 मीटर की रेंज में ही इस कम्युनिकेशन को यूज करते हैं। इसके लिए हम क्या है, डेटा में जो फाइल्स वगैरह होती है उनको ट्रांसफर करने के लिए करते हैं, और जो डेटा ट्रांसफर फाइल होती है उसकी भी रेट कैसी होती है, कंपेयर टू अदर वेव्स बहुत ज्यादा स्लो होती है, ठीक है ना, कैसी होंगी, काफी ज्यादा स्लो होगी, ठीक। एग्जाम्पल क्या है, मोबाइल फोन है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन से हम कैसे दूसरे डिवाइस को कनेक्ट करके, ठीक है, कैसे अदर डिवाइस को कनेक्ट करके नेटवर्क का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। हाउ डज क्लाउड कंप्यूटिंग वर्क, क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे वर्क करती है, और इसके बेनिफिट्स को हमें एक्सप्लेन करना है। इसके बारे में हमने अभी कुछ प्रीवियस लेक्चर में ही समझाया था कि जो क्लाउड है वो दो सेक्शन पे वर्क करती है, एक होता है बैक एंड, एक होता है फ्रंट एंड, ठीक है ना, बैक एंड एंड फ्रंट एंड। जब हमने बैक एंड फ्रंट एंड के बारे में बताया तो इसका जो इंटरफेसिंग यूज करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर से रिक्वायरमेंट जितने भी क्लाउडेड होते हैं वो किस तरह से इंटरेक्ट होते हैं सॉफ्टवेयर द्वारा नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स पे, तो उसके लिए हम फ्रंट एंड का यूज करते हैं, ठीक है ना। किसका यूज करेंगे, फ्रंट एंड का यूज करते हैं, जैसे ईमेल सिस्टम, ईमेल सिस्टम में क्या क्या आते हैं, जीमेल आती है, क्योंकि इसका यूज क्या कहाँ किया जाता है, मेलिंग जो सर्विस होती है इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए वेब ब्राउजर पे, वहां पे हम सॉफ्टवेयर को इंटरफेस के द्वारा कनेक्ट करा के इस पे वर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा बैक एंड का भी इसमें यूज किया जाता है, कैसे, बैक एंड जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्लाउड में लोकेटेड है, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं डेटाबेस, है ना। डेटाबेस क्या था, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज ऑर्गेनाइज्ड सो दैट इट कैन बी इजीली एक्सेस्ड मैनेज्ड एंड अपडेटेड। तो इसमें हमें क्या है, फ्रंट एंड और बैक एंड के बारे में लिखना है, उसके बाद इसके एडवांटेज, सबसे बड़ी बात क्या है, इसके एडवांटेज की बात करते हैं, बेनिफिट्स की बात करते हैं। तो बेनिफिट्स क्या क्या थे इसके, जैसे हम बेनिफिट्स की बात करें, इन जो क्लाउड कंप्यूटिंग के एडवांटेज, जैसे हमने एक पूरा
ब्लॉक डायग्राम दिखाया था, एप्लीकेशन एज अ यूटिलिटीज ओवर इंटरनेट, हाई एफिशिएंसी, कॉस्ट इफेक्टिव, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस और रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन नेटवर्क, सिक्योरिटी, मैनिपुलेट्स एंड कॉन्फ़िगर एप्स ऑनलाइन, है ना, नो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड, ऑनलाइन डिप्लॉयमेंट टूल्स वगैरह हम इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज कर सकते हैं। कैसे, देख दिखाते हैं अभी क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में और इसके जो एडवांटेज है या बेनिफिट्स है उसके बारे में हमने इससे पहले लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है ना। इससे पहले हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं और ये ब्लॉक डायग्राम हम बना सकते हैं बेनिफिट्स के रूप में, ठीक है ना। बेनिफिट्स ये इसके क्या है, बेनिफिट्स है, ठीक। इस ब्लॉक डायग्राम का हम यूज करके इसके बेनिफिट्स बता सकते हैं। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।